Hey Korean Jagya viewers, आज हम बात करने वाले हैं Love Like the Galaxy episode 50 की. So let's get started. यहाँ सभी soldiers बुई को खाई से उठाने की कोशिश करते हैं. General Zhu कहता है, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? हटो, मुझे दो. वो खींचता है और जानबूझकर चाकू निकालता है ताकि वो रस्सी को काट सके. Third Prince ये सब देखकर उसे रोकते हुए कहता है, क्या आप लिंग बुई को मारना चाहते हैं? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि जिसे मैजिस्टी खुद बचाना चाहते हैं, तुम उसे मारना चाहते हो? जू भाग जाता है. थर्ड प्रिंस उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है. जू को बंदी बना लिया जाता है. थर्ड प्रिंस उसके पास जाकर कहता है, क्यों? तुम अपने साथी का वेट कर रहे थे, बट सॉरी वो यहाँ आ भी नहीं पाएंगे. इसे जेल में डाल दो, इसे टॉर्चर करो जब तक ये पता न दे. मुझे फर्क नहीं पड़ रहा ये मरे या जिंदा रहे. सभी सोल्जर्स एग्री करते हैं और उसे लेके चले जाते हैं. यहाँ एक सोल्जर कहता है, हमने जनरल लिंग को ऊपर ले लिया है. थर्ड प्रिंस उसके पास भागते हुए जाता है. यहाँ सभी फिजिशियन बुई का ख्याल रखने होते हैं. जनरल अपना हाथ हाथ छोड़ दे बट बुई अपना हाथ कस के पकड़ा होता है. मैजिस्ट्री सब देखता और कहता है, तुम सब यूजलेस हो, ये अभी तक उठा क्यों नहीं है? फिजिशियन कहता है, जनरल लिंग ने अपना हाथ कस के पकड़ लिया है. वो जीतर के धागे को छोड़ ही नहीं रहे हैं. वो धागा उनकी खाल पे फंस गया है. हम उस धागे को हटाना चाहते हैं, बट वो अपना हाथ छोड़ ही नहीं रहे. हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं. मैजिस्टी कहता है, धागा? थर्ड प्रिंस कहता है, ये शाओशेंग धागा है. जी शेंग बेहोश होने के बाद भी इसे किसी को छूने भी नहीं दे रहा है. मैजिस्टी कहता है, मिस चेंग कहाँ है? मैंने कहा था ना कि उन्हें यहाँ लेकर आओ. उनक काओ कहता है, वो तो बाहर ही है. मैजिस्टी कहता है, बाहर? तो उसे अंदर लाओ ना. काओ कहता है, उन्होंने कहा कि उनका और जनरल लिंग का रिश्ता खत्म हो गया है, वो उन्हें देखना भी नहीं चाहती है. मैजिस्टी चिल्ला के कहता है, खत्म? मैंने अलाउ किया रिश्ता खत्म करने के लिए. उसे अंदर बुलाओ, अगर वो अंदर नहीं आना चाहती तो उसे पकड़ के अंदर लेकर आओ. तभी एक फिजिशियन आकर कहता है, जनरल लिंग बहुत इंजर है और ठंडे मौसम की वजह से उन्होंने बहुत झेला है. हमें डर है कि वो रात में बच भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो किसी को भी छूने ही नहीं दे रहे हैं. हम उन्हें दवा भी नहीं दे पा रहे हैं. मैजिस्टी परेशान होता है. थर्ड प्रिंस कहता है, मैं शाओशेंग को अंदर लाता हूँ. बट जैसे ही वो बाहर जाता है उसे कुछ सुनाई देता है. यहाँ हमारी हीरोइन शाओशेंग बुई के लिए फ्लूट बजाती है ताकि बुई तसल्ली कर ले. बुई लेटा होता है. बुई को शाओशेंग की बातें याद आती है. उसे पिता हुए हर पल जो उसने शाओशेंग के साथ गुजारे वो उन सभी को याद करता है. शाओशेंग फ्लूट बजाती है. बुई हर एक पल को याद करता है. उसे शाओशेंग की ओट भी याद आती है. शाओशेंग के साथ वाले पल वो एक एक करके याद करता है. बुई फाइनली अपना हाथ ढीला छोड़ देता है. वो शाओशेंग के ख्याल में खो जाता है. वो फ्लूट सुनकर अपने हाथ खाली छोड़ देता है. फिजिशियन ये सब देख कर कहते हैं, जनरल ने अपना हाथ हटा लिया है, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जाओ दवाई लेकर आओ और उन्हें बचाओ. फिजिशियन उसे दवाई पिलाते हैं. मैजिस्टी तसल्ली करता है. शाओशेंग बाहर खड़ी होती है. फिजिशियन बुई की तबीयत बेहतर बताते हैं. शाओशेंग सब देखती है. यहाँ एम्प्रेस शाओशेंग का ख्याल रख रही होती है. शाओशेंग उठती है. एम्प्रेस कहती है, वो उठा है और तुम बीमार पड़ गई. शाओशेंग उसे सॉरी बोलती है. एम्प्रेस कहती है, तुम्हें पता है ना मैं ये सब देखकर चिंता में पड़ जाऊंगी, तुम अपने हेल्थ का ख्याल रखना नहीं चाहती. जी शेंग को तुम्हारी चिंता होगी अगर वो तुम्हें ऐसे ही देखेगा तो. शाओशेंग कहती है, अब हमारा इम्पॉसिबल है. एम्प्रेस कहती है, तुम उससे नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया. शाओशेंग कहती है, कंट्री, गो सिटी, लोग, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम नहीं, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी वही करती. मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ. एम्प्रेस कहती है, ये तो अच्छी बात है, तुम ऐसा नहीं सोच रही. क्या तुम उससे इसलिए नाराज हो क्योंकि उसने लिंगी को मारा और अपनी सेफ्टी भी छोड़ दी? शाओशेंग उठकर कहती है, पता नहीं वो मेरे लिए सिंसियर है भी या नहीं. मुझे उस पे शक है कि कहीं उसने मेरी हेल्प करने के बदले क्राउन प्रिंस की टाइगर सीट ना ले ली हो. इससे आप और क्राउन प्रिंस फंस गए. मैंने मैजिस्ट्री के सामने उसकी साइड ली. मैंने आपके साथ गलत किया. एम्प्रेस कहती है, वुमेन को मर्द के काम में पड़ना नहीं चाहिए. मैं तुम्हारी परेशानी क्यों नहीं समझूंगी.
और मैं तुम्हें दोषी क्यों ठहराऊं? शौशन कहती है, आप बहुत अच्छी हो, आप सब समझ के भी उसे नजरअंदाज कर देती हो, बट मैं वैसी नहीं हूँ। मैं ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो भी जीशंग ने मेरे साथ किया। अगर उसे दुश्मनों को मारना ही था तो वो मुझे बता तो सकता था, मैं भी उसके साथ चलती। वो जहाँ भी होता मैं उसके साथ होती, पर उसने मुझे छोड़ा भले ही मेरी भलाई के लिए, बट मैं उसे माफ नहीं कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बचपन में छोड़ा और उसने भी मुझे छोड़ दिया। आपने और मैजेस्टी ने मुझे सिखाया कि कपल तो एक होते हैं, है ना, पर उसने मुझसे सब छुपाया जिसमें मैंने उससे दिल से प्यार किया। क्या उसने हमें एक माना? एम्प्रेस कहती है, आर यू श्योर? शाओशेंग एग्री करती है। एम्प्रेस कहती है, तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार हुआ क्या? शाओशेंग एग्री करते हुए कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों ये सब हुआ। एम्प्रेस कहती है, ठीक है मैं सब पता करके तुम्हें बताती हूँ, बट याद रखना तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी। शाओशेंग कहती है, आप इतने अच्छे क्यों हो? मैं आपका कर्ज पूरी जिंदगी कैसे चुका पाऊंगी? एम्प्रेस कहती है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, बट आई होप कि तुम किस्मत वाली बनो, अच्छे से जीना। शाओशेंग उसके गले लग के रोती है। एम्प्रेस मन में सोच के कहती है, ब्रेव बनना, सच्चाई का पता लगाना मैंने सिर्फ तुम्ही से सीखा है। यहाँ मैडम चुनियो जेल में कुछ बना रही होती है। शाओशेंग और युवानशेन वहाँ आते हैं। शाओशेंग आगे बढ़ के डर जाती है। युवानशेन कहता है, मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। वो सभी आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, जब से मैडम चुनियो ने मार्केस चेंगम रेजिडेंस में लड़ाई देखी वो तो पागल ही हो गई है। वो किसी को भी देख कर काटने लग जाती है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे नहीं मिली है। शाओशेंग कहती है, क्या वो पागल हो गई है? मैं बस अपना डाउट क्लियर करने आई हूँ। मैंने देखा लिंग ली मैडम चुनियो के साथ कैसे ट्रीट करते थे। वो लविंग कपल बिल्कुल भी नहीं थे, तो क्यों लिंग ली उनसे शादी करने के लिए डेस्परेट था? युवानशेन कहता है, तो उनकी शादी के पीछे कुछ था? शाओशेंग मैडम चुनियो को देखती और कहती है, लिंग ली मर गया, आपको कुछ कहना है तो कह सकती हो, मैजिस्ट्री तुम्हें माफ कर देंगे। मैडम चुनियो कहती है, मर गया? वो हंसती है और पागलपंती करती है, वो वाकई में मर गया? शाओशेंग एग्री करते हुए कहती है, उसका सर काट दिया, मैजिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है कि उसका शरीर ऐसे ही दफना दो ताकि कोई भी उससे रिस्पेक्ट ना दे सके। आपका क्या, आपको तो जिंदा रहना है। मैडम चुनियो उठ के कहती है, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। युवानशेन कहते है, ये पागल हो गई है। शाओशेंग कहती है, गेट खोलो। युवानशेन कहते है, ये वाकई में पागल है। शाओशेंग कहते है, गेट खोलो, मैंने कहा ना। युवानशेन गेट खुलवाता है। मैडम चुनियो अंदर होती है। शाओशेंग अंदर आकर कहती है, क्या तुम्हें पता है उस वक्त तुम्हारा मिसकैरेज क्यों हुआ? मैंने तुम्हारी मेट से पूछा, उसने कहा कि लिंग ली ने तुम्हारे खाने पीने में एक दवाई मिलाई थी। अगर आप उस मेडिसिन को कई साल से ले रहे हो तो तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। लिंग ली और पेनकुन मिलकर उस सबूत की चिंता नहीं करते और आप मार्केस चेंगन रेजिडेंस में आराम से रह सकती थी। उस जैसा घटिया विलेन लिंग ली आपको ब्लैकमेल करने देगा? यही नहीं, उसने सोचा कि आप पूरी जिंदगी बिना सपोर्ट के ही रहे ताकि वो तुम्हें मैनिपुलेट करे सो दैट तुम उसे ब्लैकमेल ना कर सको। मैडम चुनियो रोती है। शाओशेंग कहती है, रहने दो, तुम पागल हो गई हो, अब ये सब कहने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा ही हुआ अब तुम्हें सच जानने के बाद भी ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा, अब कहने का क्या फायदा? अच्छा ही हुआ अब तुम सच जानने के बाद ज्यादा सफर नहीं करोगी। मैडम चुनियो को फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मूर्ति शानसाई टेम्पल पे पहुंचाने को कहती है। वो शानसाई टेम्पल की मूर्ति को याद करती है और हंस जाती है। वो पागलपंती करती है, बकवास करती है। शाओशेंग सभी देखती है वो कितनी पागल हुई है। युवानशेन बाहर आके कहता है, क्या ये वाकई में पागल हो गई है या फिर नाटक कर रही है? शाओशेंग कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस जीना चाहती है इसलिए पागल बन के जी सकती है। जैसा मैडम उन्हें झेला अब ये वैसा ही झेल रही है, यही किस्मत है, इसका कर्मा है। युवानशेन कहता है, अब क्या करना है? शाओशेंग कहती है, शानसर टेम्पल चलो, इन्होंने एविडेंस वही छुपाया होगा। आई एम श्योर वो मैडम रुयांग को गिफ्ट में जरूर दिया होगा। यहाँ फिजिशियन मेडिसिन प्रिपरेशन करते हैं। जू को बदबू आती है, वो
और कहता है यहाँ जनरल लिंग को मेडिसिन देना ठीक नहीं। मैजिस्ट्री कहता है ये मेरा आइडिया है इसे यहाँ मेडिसिन दिलवाने का, क्या कोई प्रॉब्लम है? जो मना करता है। जी कहता है सभी हैं यहाँ, हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली गो सिटी में हुआ क्या था। मैजिस्ट्री और सबकी निगाहें वही पे होती है। जी कहता है जनरल लिंग, वही कहता है मेरा नाम क्यू है लिंग नहीं। मैजिस्ट्री थोड़ा मन में बुरा मानता है, वही कहता है मुझे याद है वहाँ एप्रिकॉट का पेड़ लगा था, मैं बहुत एक्टिव और ली बहुत कमजोर था, बट उसे एप्रिकॉट खाना बहुत पसंद था। उसने मुझसे कुछ फ्रूट उतारने को कहा, जब मैं उतार रहा था मेरी ड्रेस फट गई थी, मुझे लगा कि मदर मुझे जरूर पनिश करेगी। ली कहता है कोई बात नहीं, हम ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं तुम्हारे क्लोथ पहन कर चला जाऊंगा, देखते हैं अंकल पहचानते हैं भी या नहीं। जब मैं वापस आऊंगा मैं कह दूंगा कि मेरे से कपड़े फट गए हैं, आंट तुम्हें नहीं डांटेगी। वोशान कहता है मेरे पेरेंट्स तुम्हें नहीं डांटेंगे, बट आंट ज्यादा गुस्सा करती है, वो तुम्हें पनिश जरूर करेगी। ली एप्रिकॉट वोशान को देता है, वोशान कहता है मुझे इससे एलर्जी है, मुझे रैशेज हो जाएंगे। ली कहता है तुम्हारे लिए नहीं, आंट और अंकल के लिए है, उन्हें अगर मेरे एप्रिकॉट मिलेंगे तो वो मेरी तारीफ मेरी मदर से करेंगे, अगर मदर मुझे पनिश भी करना चाहेंगी तो वो उन्हें रोक देंगे। वो शांग हंसता है, वो शांग ली के कपड़े पहनकर अपने फादर के कमरे में जाता है, वो वहीं एप्रिकॉट छोड़ के जाना चाहता था। तभी बाहर से आवाज आती है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब खुद देखूंगा। जनरल वु चोंग अंदर आते हैं, वो शांग छुप जाता है। जनरल वु चोंग ड्रेसअप करता है, लिंगी बताता है वैन क्लान मदद के लिए नहीं आई, दूसरे एम्परर ली ने आधे देश पे कब्जा कर लिया, वैन क्लान अब टिक ही नहीं सकता, पता नहीं कौन दुनिया पे राज करेगा। वैन क्लान के लिए रिस्क लेना जरूरी है, उन्हें हमारी चिंता नहीं है, तो क्या हम गो सिटी को उनके लिए डिपेंड करें? मैंने सुना दूसरे एम्परर ली ने 2,00,000 सोल्जर्स की मदद भेजी है, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, क्यों ना हम पीछे हट जाएं? वो कहता है तुम मेरे साले हो, इसलिए अगर आज के बाद तुमने गो सिटी को छोड़ने को कहा मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। वो शांग साहब को चुप के देखता है, वो जैसे ही कपड़े पहनता है लिंगी पीछे से छुरा घोंप के उसे मार देता है। लिंगी कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुम्ही ने मुझसे ये सब करवाया। वो कहता है तुम एनिमी से मिले हुए हो। लिंगी उसका मुंह बंद करके कहता है तुम सिटी छोड़ना नहीं चाहते, सरेंडर करना नहीं चाहते, क्या तुम हमें मरवा के खुद हीरो बनना चाहते हो? दूसरे एम्परर ली ने 2,00,000 सोल्जर्स भेजे हैं, हम सभी मरने वाले हैं, कोई भी मदद नहीं है, तुम्हें लगता है श्वान क्लान आएगा और हमें बचा लेगा? नहीं वो नहीं आएंगे और ना ही यू क्लान आएंगे, कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा। वो तब तक मर चुका होता है। लिंगी कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, सबकी भलाई सब इसी में है, मुझे ब्लेम मत करना। वो उनकी बॉडी गिरा देता है। यहाँ मैजिस्ट्री गुस्से में कहता है स्क्राउंड्रल, लिंगी भगोड़ा था, हु ने उसे सिर्फ वेयर हाउस देखने बुलाया, लड़ाई के लिए नहीं, अगर हु नहीं होता तो वो आर्मी में जाने के लायक था भी नहीं। तुई कहता है लिंगी किसी से मिला था, बट मैं जानता नहीं था कि वो कौन था, पता लगाने के लिए मैं शाओचुंग गया और मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं पेनकुन था। यहाँ लिंगी ने हु को मार दिया, तभी एक सोल्जर आके कहता है मैंने इसे सरेंडर करने को मनाने के लिए कहा था, तुमने तो उसे मार दिया। लिंगी कहता है ये जिद्दी है, सरेंडर कभी नहीं करेगा, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मेरी जिंदगी मेरे फ्यूचर पे बात आ जाती, इसलिए मैंने इसे मार दिया, क्या तुम मेरी फैमिली को छोड़ सकते हो? सोल्जर कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जनरल वु चोंग मर गए तो सिटी में घुसने का अच्छा मौका है, हम गो सिटी को बचाएंगे नहीं, यही एम्परर ब्रांड की फेलियर होगी, चलो मास्टर को अंदर लाते हैं। लिंगी कहता है झूठ बोला तुमने, तुमने कहा कि तुम मेरी फैमिली को छोड़ दोगे। सोल्जर कहता है सिर्फ तुम्हें और किसी और को नहीं, अगर कोई हु बचा तो वो फ्यूचर में बदला लेगा जरूर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, फ्यूचर में तुम्हें मार्किस का टाइटल मिलेगा, क्या उस वक्त औरतों की कमी होगी? मैंने तुम्हें इसे मारने को नहीं कहा था, वो सोल्जर खुद ही देख लेते, बट अब चलो यहाँ से। यहाँ मैजिस्ट्री सब सुन के रोता है, वो कहता है जब गो सिटी गिरी कोई भी बच्चे और औरतें बचे ही नहीं थे, ये स्क्राउंडल्स। जो कहता है तो एम्परर ली के सोल्जर ने ये सब करवाया, तो तुम और जुनुआ कैसे बचे?
रोई कहता है कमरे में आग लग गई थी, मैं धुएं से बेहोश हो गया। शायद मैं लकी था क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब मुझे होश आया रात हो चुकी थी, सभी जगह बॉडीज पड़ी हुई थी। वो शाम बाहर निकलता है और तलवार को उठाता है। जुनुआ उसे पकड़ के कहती है चुप रहो नहीं तो लोग सुन लेंगे और वापस आ जाएंगे। वो सभी इधर उधर देखते हैं, ऊपर सभी के सर लटके होते हैं। जुनुआ डर जाती है। भूशांग भी सभी की मुंडी देखता है। वो कहता है मैंने और ली ने कपड़े बदले थे इसलिए वो मेरी जगह मर गया। हमें डर था कि रिबेलियन आर्मी आसपास ना हो इसलिए हम उनकी मरी हुई बॉडीज में 2 दिन 2 रातें छुपे हुए थे। ना तो हमने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, हमें बस वहाँ से बाहर निकलना था। वो ही उत्तर कहता है तब से आंट अपना दिमाग खो देती और बेवकूफी वाली हरकतें करती। वो बार बार ली को याद करती और कैपिटल में वापस आने की बात करती। कैपिटल में लौटने के लिए हमने भीख मांगी, हमने बचा हुआ खाना खाया, हमने कई बार अपनी जान गंवाई। ये सब 2 साल झेल लेने के बाद फाइनली हम जब कैपिटल में पहुँचे और आपसे मिले, फ्लैशबैक में मैजिस्ट्री खड़ा होकर पूछता है बच्चे कौन हो तुम? वो ही कहता है आंट ने मुझे ली कहने को कहा ताकि लिंगी मुझे मार न सके। उस वक्त आंट पागल नहीं हुई थी और मैं बच्चा था, बट लड़ने के लिए मेरे पास पावर नहीं थी। यहाँ भूशांग अपना नाम लिंग भूई बताता है। मैजिस्ट्री खड़ा होता है जो कहता है ये तो एक तरफा स्टेटमेंट है क्राइम से बचने का। मैजिस्ट्री कहता है बकवास बंद करो बोलने दो उसे। वही कहता है कोई भी मुझ पर बिलीव करेगा ही नहीं क्योंकि तब मैं बच्चा था, लोगों को लगेगा आर्ट ने मुझे झूठ बोलने को कहा क्योंकि वो लिंगी की दूसरी शादी से खुश नहीं थी। सो मुझे बदला लेना था। सो ली की आइडेंटिटी का यूज करके मैं अपने फादर के गद्दार से बदला ले सकता था इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। बट मुझे शांति नहीं मिली। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था कि मैंने ऐसे लिंगी को मार दिया। मुझे रिवेंज चाहिए था, मेरे फादर का, पूरे हु क्लान का रिवेंज लेना था, गो सिटी के लोगों का रिवेंज भी मुझे लेना था। मुझे उन सभी का बदला लेना था जिसका गो सिटी को गिरने में हाथ था। मैजिस्ट्री और कुयू रोते हैं। जब मैं कैपिटल लौटा मैंने इन्वेस्टिगेट किया, लिंगे ने सारे सबूत मिटा दिए। वो एक एक करके सभी को अपने रास्ते से हटवाता चला गया, बट एट द एंड मैं हार गया। जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उसने सभी को मार दिया इंक्लूडिंग पैनकुन। मेरी आंट ये दर्द बर्दाश्त कर ही नहीं पाई, वो ऐसे ही मर गई। वो शांति से भी नहीं मर पाई इसलिए मेरे पास ना कोई एविडेंस था और ना ही विटनेस। मैंने सारी होप खो ही दी थी, बस मुझे उस गद्दार लिंगी को जस्टिस देना था इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। मैजिस्ट्री सब सुन के रो जाता है। वो खड़ा होकर कहता है बच्चे तुम मुझे पहले बताओ कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? फ्लैशबैक में बुई ने अपना नाम लिंग बुई बताया था, अब बुई अपना रियल नेम हुआ भूशांग बताता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.